राजधानी शिमला में इन दिनों जहां गर्मी अपने चरम पर है, वहीं शहरवासियों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पेयजल समस्या के चलते शिमला जल प्रबंधन ने शहर में पानी की सप्लाई भी एक दिन छोड़ शुरू कर दी है। बावजूद इसके हर दिन राजधानी में पानी के टैंकरों की मांग बढ़ती जा रही है। शिमला में रोज करीब 50 टैंकरों की मांग आ रही है। तंग रास्तों की वजह से बड़े टैंकर कुछ क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते नगर निगम ने इस समस्या से निपटने के लिए अपने बेड़े में दो छोटे टैंकरों को शामिल कर लिया है। अब नगर निगम के पास छोटे टैंकरों की संख्या 3 हो गई है, जिससे कुछ हद तक शहरवासियों को पेयजल समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। विधायक हरीश जनार्था और महापौर सुरेंद्र चौहान ने दो छोटे टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जो छोटे टैंकर थे, ये एक बहुत ही ज़रूरी थे। कई जगह से फ़ोन आते थे, जहाँ के हम हमारे नैरो रोड्स हैं और उतराई चढ़ाई बहुत है, तो वहाँ पे हमारे बड़े टैंकर्स नहीं जा सकते थे। तो उसने ये सोच बनी है कि इन छोटे टैंकर्स को ट्रायल बेसिस पे दो अभी हम लेते हैं, और उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनकी फ्लीट को ज़रूर बढ़ाएंगे, तो ताकि लोगों को ये टैंकर है घर द्वार जाके उनकी सप्लाई मिल सके। क्योंकि कई एरिया में जैसे कि खासकर दुख और सुख में आपको ज़रूरत पड़ती है पानी देने की, लोग आते हैं तो वहाँ पे पानी पहुँचाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो ये टैंकर हमारे को उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो गए। गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ पानी की किल्लत रहती है, और एक दिन छोड़ के हम पानी देने की भरपूर प्रयास कर रहे हैं, और उसी संदर्भ में हमने दो टैंकर हायर किए, छोटे टैंकर हायर किए, नए टैंकर खरीदे SGPNL के माध्यम से। और जो छोटे टैंकर की डिमांड बहुत शिमला में बहुत है, क्योंकि शिमला में जो सड़कें हैं बहुत कंजेस्टेड है, छोटी छोटी रोड है, बड़ी पिकअप के माध्यम से हम उसको टैंकर्स को भेज रहे हैं। तो उसी संदर्भ में आज हमने दो टैंकर नए लिए, जिसमें मोटर भी लगी हुई है, उसका पाइप के माध्यम से हम टॉप फ्लोर तक पानी पहुँचा सकते हैं। शिमला में पानी के संसाधन बढ़ाने के लिए नगर निगम काम कर रहा है। इसी कड़ी में शहर के आसपास के क्षेत्र में पुरानी बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसके साथ ही शिमला शहर में जल भंडारण को बढ़ाने के लिए नए पानी के टैंकों का निर्माण भी किया जा रहा है। इससे शहर में पानी की समस्या से निपटने के लिए काफी हद तक आसानी होगी। सूर्य समाचार के लिए शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट।